वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। फिर फाइनली जब आप ग्लिम्स दिला दिए, मेंस में एंटर करते हैं, तो किस तरीके से आपको अप्रोच रहना चाहिए, कितना राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए? कल मेरे एक दोस्त है, वो मेरे को बोलता है, मैं मॉक दिलाना चालू किया हूँ और भाई 3 घंटे लिखना था, आप बीच में एग्जॉस्ट हो जाते हो, ऐसा लगता नहीं यार आप कितना लिखेगा, आदमी बन भी नहीं रहा या नहीं पता है और आप थक जाते हो। तो उसके ये आप फेस करते थे, कैसे ओवरकम करते थे, इसके बारे में बताइए। अभी अभी जस्ट 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक हम लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ, 9 पेपर लगातार लिखे हैं हमने, मेंस से भी ज़्यादा, मेंस में 7 पेपर रहता है, इसमें 9 पेपर था और दिन में 2 पेपर, तो सुबह 10 से 1 फिर 2 से 5, लगातार 9 पेपर लिखा है। तो ऐसा लगा था कि हम लोग भी एग्जॉस्ट हो रहे थे उस टाइम, और मतलब लास्ट पेपर में ऐसा हो गया था कि मेंस से भी ज़्यादा हो जा रहे, तो 9 पेपर हो जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आप ना मतलब उस टाइम जब बैठते हैं एग्ज़ाम में, आपका ध्यान इतना रहता है कि नहीं मेरे को लिखना ही है, अगर नहीं लिखा तो सिलेक्शन वहीं पे ओवर है। तो आप एक भी पेपर में अगर 2 क्वेश्चन भी छोड़ गए तो आपका रैंकिंग या सिलेक्शन ओवर रहता है। नहीं, ये तो मेन एग्जाम की बात हो गई है, जब हम लोग खुद से प्रैक्टिस करते हैं तब तो ये बहुत ज्यादा हावी रहता है ना यार, कितना लिखना पड़ेगा, कितना करना है। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, जैसे ए से है, मेरे को पूछते हैं सर ए से कितना लिखना चाहिए हफ्ते में, 2 लोग का एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति मान लीजिए पर डे एक ऐसे लिख लेता है, एक ऐसे एक दिन में लिख लेता है, तो साल भर में 365 ऐसे लिख लिया, और एक हफ्ते में एक ऐसे लिखता है, तो वो कितना ऐसे लिखा, 52 ऐसे लिख लिया साल भर में। किसका मतलब आप बोल सकते हैं कि आंसर राइटिंग बेटर होगा, बताइए, जो पर डे डेली वाले का मतलब कोई लिमिट है नहीं। अब मैं बोलूंगा कि एक व्यक्ति 2 दिन में 2 बार लिख लेता है, तो फिर उसका तो प्रैक्टिस और ज्यादा हो गया। तो कोई लिमिट नहीं है कि ऐसा बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार लिखना चाहिए या महीने में एक बार लिखना चाहिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपकी कैपेसिटी क्या है आप देख लीजिए, और हमेशा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप अगर हफ्ते में एक बार लिख रहे हैं उसको हफ्ते में 2 बार कीजिए, फिर 2 बार करते हैं तो उसको 4 बार कीजिए, फिर दिन में 1 बार कीजिए, जितना कर सकते हैं। परफेक्टली अगर वही कहें कि प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, बस जितना प्रैक्टिस उतना इंप्रूव, और प्रैक्टिस का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना कर सकते हैं, आप दिन में 4 भी लिख सकते हैं, आपको कोई मना ही थोड़ी है ना, वो इंप्रूवमेंट ही होगा आपका। दिन में अगर 4 लिखते हैं, बस आप टाइम लिमिट देख लीजिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कितना कितना टाइम देना है, उस हिसाब से अपना राइटिंग प्रैक्टिस तरीके से करते थे। मैं ये करता था कि जैसे मैं मेंस के टाइम में 3 महीने थे, तो नोट्स बनाने हैं, पढ़ना भी है और राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो मान लीजिए 3 घंटे में पढ़ लिया, पढ़ने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही कम हो जाता है, बोर हो जाता है इंसान पढ़ते पढ़ते, तो फिर अब क्या करें, हाँ तो क्वेश्चन निकाल लिए, लिखना चालू, लिखते लिखते 3 घंटे हो गए, फिर आप क्या करें, तो नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते चलो। तो ऐसे अपना मतलब अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। बीच में जैसे हैवी सब्जेक्ट पढ़ लिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ लिए, तो 1 घंटे बाद आप फैक्चुअल निकाल लेते हैं। मतलब आपको पढ़ना है, पढ़ने से रिलेटेड ही कुछ करना है, पर करते रहना वही चीज़। जैसे अगर कभी कभी बोर लगता था तो चीट नोट्स आते हैं, वो लेके उसमें कुछ कुछ साहित्यकारों के नाम लिख के दीवार पर चिपका दिए, वो करते रहे, फिर बीच में उसको पढ़ पढ़ के बोर लग रहा है तो उसको पढ़ लिए, ऐसा भी कर सकते हैं इस तरीके से। और हाँ, जैसे अगर थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर लग रहे हैं, घटना चक्र निकाले, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चालू। तो कभी भी ना लिमिट नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल से, आप अपना लिमिट खुद तय करते हैं। मैं आप बोलता हूँ कि आप 8 घंटे अगर आप बोलते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, ये आपका लिमिट आपके माइंड ने खुद तय किया हुआ है। अगर आप वही सोच लें कि नहीं मैं 8 या 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो वो माइंड खुद तैयार हो जाएगा 12 घंटे के लिए। मतलब हम अपने माइंड